Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. In today's lecture, we will discuss about the India's new Parliament House. आप सब लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में नया पार्लियामेंट हाउस बनाया गया और उसका जो है डिज़ाइन पूरा नया कर दिया गया ट्रायंगुलर शेप में. एंड रिसेंटली आपने देखा भी होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसका जो है इनॉग्रेशन भी किया. और चले हम डिस्कस करते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों थी नई पार्लियामेंट की, नए पार्लियामेंट में क्या नया है और पुराने पार्लियामेंट में क्या इश्यूज था और डिफरेंट कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो उसमें हैं वो क्या है. क्योंकि ये जो नया पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का, जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट के जितने भी इश्यूज़ हैं वो डिबेट किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं. हमारा जो कंट्री का लॉ है वहाँ पर बनाया जाता है और वहाँ पे जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलके बैठते हैं और डिसीजंस लेते हैं. सो दैट इज़ व्हाई जो पार्लियामेंट है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी क्रूशल इंस्टीट्यूशन इन आवर गवर्नेंस. एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज़ अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे. दिस इज़ ऑफ ट्रायंगुलर शेप. ये हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है. आपने पुराना भी आपको जहन में होगा कि पुराना कैसा था. ये पुरानी जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग थी हमारी, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से थी. देखो ये सर्कुलर थी और अपसाइड डाउन सॉर्ट ऑफ डोम था. एंड दिस इज़ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो नया पार्लियामेंट अभी बनाया गया सेंट्रल विस्टा. तो ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है हमारा, ठीक है. दोनों आपको याद रखना है. ओके. रिसेंटली द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनाग्रेटेड इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, पार्ट ऑफ द रिवैम्प्ड सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. इसको पूरा रिवैम्प किया गया और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको इनाग्रेट किया. तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखनी है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग डिजाइनड बाई आर्किटेक्ट बिमल पटेल बिगेन इन 2019 में स्टार्ट किया गया. इसको इस नया डिज़ाइन को बनाना किस आर्किटेक्ट ने, बिमल पटेल ने इसको स्टार्ट किया डिज़ाइन करना. इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था, इस जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जो थी जिसको डिज़ाइन किया था किसने, आर्किटेक्ट ने, बिमल पटेल ने 2019 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, राइट. What is the need for new parliament building? हमें ज़रूरत क्यों थी पार्लियामेंट बिल्डिंग की, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की, ठीक है, पूरा समझेंगे. सबसे पहली बात ये थी कि नैरो सीटिंग स्पेस फॉर MPs. जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे ना, पूरे मुल्क से जाते थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स. जो आपको पता है लोकसभा इलेक्शन जब होता है तो वोट डायरेक्टली कौन करते हैं, लोग वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, ठीक है. राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें वोट लोग नहीं डालते, उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही वोट देते हैं. तो दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, तो इन शॉर्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही जाते हैं और वहाँ पर बैठते हैं. तो वहाँ पर जगह कम थी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए. देखो द ओल्ड बिल्डिंग वॉज नेवर डिजाइनड टू अकोमोडेट अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर. बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहाँ पे दो हाउसेस होते हैं, जिस लेजिस्लेचर में दो हाउस होते हैं उसको हम बाई कैमरल बोलते हैं. हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है. वहाँ पे दो हाउसेस है, एक तो लोकसभा है और राज्यसभा है. अगर स्टेट्स की बात करेंगे, बहुत मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी बाई कैमरल है, लेकिन कुछ स्टेट्स में यूनिकैमरल है, राइट. शाबाश. तो पहली जो हमारी बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की, वो बेसिकली बाई कैमरल लेजिस्लेचर के लिए नहीं बनाई गई थी, वो दो हाउसेस के लिए नहीं बनाई गई थी. द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इज लाइकली टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम करंट 545 आफ्टर 2026. देखो 2026 तक फ्रोज किया गया ना नंबर ऑफ सीट्स को, 2026 तक फ्रोज किया गया नंबर ऑफ सीट्स को, और 2026 जो साल है उसके बाद नंबर ऑफ जो सीट्स है ना पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी. अभी कितनी है, अभी 545 है, तो 2026 के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी. तो उस टाइम फिर बैठते कहाँ फिर एमपीज के लिए सही से जगह नहीं रहती, राइट. तो सबसे पहला रीजन ये था कि वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए कम जगह थी, नैरो स्पेसिंग थी. दूसरा, डिस्ट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर.
वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ख़राब हो गया था. द एडिशन ऑफ सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई एंड सीवर लाइंस, एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, सीसीटीवी कैमराज एटेस्ट्रा हैव लेड टू सीपेज ऑफ वाटर एट सेवरल प्लेसेज एंड इम्पैक्ट एथिस्टिक ऑफ द बिल्डिंग. तो बहुत जगह पे वहाँ पे पानी लीक हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिशन भी किया गया, वाटर सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ लाया गया, वहाँ पे सीवर लाइंस को, एयर कंडीशनिंग को, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को, सीसीटीवी कैमराज को लगाया गया. तो इतनी ज़्यादा ड्रिलिंग भी हुई कि वहाँ पे अब वाटर सीपेज होते थे, वहाँ पे वाटर जो होता था लीक होता था. फायर सेफ्टी इज़ अ मेजर कंसर्न एट द बिल्डिंग, द ऑफिशियल साइट सेज. तो फायर सेफ्टी भी नहीं थी उस पुरानी बिल्डिंग में, तो ये वजह था वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अप टू द मार्क नहीं था. ऑब्सलीट कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है आजकल जिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का दौर है ना, ICT का दौर है, लेकिन जब उस पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया गया उस टाइम पे कोई इतना हाई, इतना इंटरनेट भी नहीं था और इतनी मोबाइल सर्विसेज भी नहीं थी, सिर्फ उस टाइम लैंडलाइन था, तो इतना कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर भी वहाँ पे नहीं था. ठीक है, तो आजकल के पार्लियामेंट में चाहिए हमें कि वहाँ पे हाईली सोफिस्टिकेटेड, हाईली कम्युनिकेटिव, हाईली एफिशिएंट कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स हों, क्योंकि आज सारा कुछ किससे होता है, इंटरनेट से यूज़ करके होता है, आज सारा कुछ ई गवर्नेंस पे चलता है. तो जब हमारा पार्लियामेंट ही नहीं वो कसोब कर पाएगा तो क्या फ़ायदा, राइट. तीसरा चीज़ एक है वो सेफ्टी कंसर्न. सेफ्टी कंसर्न इसलिए क्योंकि जब पुराना पार्लियामेंट बनाया गया, जब पुरानी बिल्डिंग बनाई गई पार्लियामेंट की दिल्ली में, उस टाइम दिल्ली सिस्मिक जोन सेकेंड में आता था, उस टाइम दिल्ली सिस्मिक जोन सेकंड में आता था, अर्थक्वेक जोन सेकंड में आता था, तो उस टाइम उतना खतरा नहीं लगता था. लेकिन करंटली अगर हम सिस्मिक जोन की बात करेंगे, दिल्ली जोन 5 में आता है, इसलिए सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए. जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई उसमें ये कंसर्न सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा गया कि अर्थक्वेक वाला, क्योंकि दिल्ली भी सिस्मिक जोन में आता है, सिस्मिक जोन 5 में आता है. इसके बाद इनएडुकेट वर्क स्पेस फॉर एम्प्लॉयज़, वहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिन ब दिन बढ़ते गए पार्लियामेंट में, वहाँ पे कॉरिडोर्स में भी फिर पार्टीशंस करके होते थे और वहाँ पे वो ऑफिसेज बनाए होते थे पार्टीशन करके कॉरिडोर्स में. ठीक है, तो उस टाइम वहाँ पे इस वजह से पुअर क्वालिटी वर्क स्पेसेस थी. यहाँ तक समझ आया इश्यूज़ क्या थे पुरानी बिल्डिंग में. व्हाट आर द की पॉइंट्स रिलेटेड टू द न्यू पार्लियामेंट, अब नए पार्लियामेंट में क्या क्या है. सबसे पहला आपको याद रखना है, सबसे पहली बात, इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप, द न्यू बिल्डिंग इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. वो ट्रायंगुलर शेप में है, मैंने जैसे आपको फोटो पे दिखाया, मोस्टली बिकॉज द प्लॉट ऑफ लैंड दैट इट इज़ बिल्ट इज ऑन इज़ अ ट्रायंगुलर. बेसिकली वो जो जगह है, वो जो टुकड़ा है ज़मीन का जिसपे इस नई बिल्डिंग को बनाया गया, बेसिकली वही ट्रायंगुलर शेप में था, इसलिए इस बिल्डिंग का भी शेप ट्रायंगुलर है. ये जो नई बिल्डिंग का डिज़ाइन है ना, इसको इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस किससे हुआ है, बाय सेक्युलर ज्योमेट्री फाउंड इन वेरियस रिलीजन्स. बहुत सारी हमारी डिफरेंट रिलीजन्स में जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पाए गए वही इस बिल्डिंग में लगाए गए. ठीक है, इट्स डिज़ाइन एंड मटीरियल्स आर मेंट टू कम्प्लीमेंट द ओल्ड पार्लियामेंट विद द टू बिल्डिंग्स एक्सपेक्टेड टू फंक्शन एज अ वन कम्प्लेक्स. मतलब देखो, पुराना पार्लियामेंट था वो, उसमें स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं थी, अब बिल्कुल उससे दो गुना यहाँ पे स्पेस रखी गई और ट्रेंगुलर शेप है, और इसमें जो ज्योमेट्री यूज़ की गई है वो डिफरेंट रिलीजन से उठाई गई है, जो जिसका जिक्र हुआ था उसमें. ठीक है, एक और चीज़ इसमें नई बिल्डिंग में ये है, इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि इसको जब बनाया गया इट वाज बिल्ट यूजिंग ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स. ठीक है, क्योंकि इसमें ये रखा गया कि इलेक्ट्रिसिटी 30% कम खर्च करेगी, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी 30% कम खर्च करेगी, और इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी रखा गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी रखा गया है, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स भी रखे गए हैं, सो देट कि जो पानी है वो ज़ाया ना हो, उसको हम रिसाइकल करें, और रेन वाटर जो होता है, रेनफॉल जब होता है, उस वाटर को भी हम सेव करके रखें. तो इट इज़ वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली. आपको पता है दिल्ली का एनवायरमेंट भी कितना जो है पोल्यूशन है वहाँ पे जो है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उनको अच्छे से कैसे यूटिलाइज करें. सो द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम है, 30% रिड्यूस्ड है, और रेन वाटर हार्वेस्ट भी होती है, और वाटर रिसाइकलिंग भी होती है. ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें बहुत ज्यादा स्पेस रखा गया है,
और ये सोच के इसको बनाया गया कि नेक्स्ट 150 ईयर्स तक, नेक्स्ट 150 साल तक जो है ये आराम से चल सकता है, आने वाले 150 साल तक, 150 ईयर्स तक ये आराम से चलेगा ये नया वाला बिल्डिंग, क्योंकि इसको एफिशिएंट बनाया गया, इसमें स्पेस बहुत रखी गई, इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये रखा गया है कि अर्थक्वेक सेफ है ये, क्योंकि दिल्ली जो है वो सिस्मिक जोन 5 में आता है, तो द बिल्डिंग इज़ प्राइमड टू बी अर्थक्वेक सेफ। तो इसमें सबसे बड़ी सेफ्टी जो रखी गई है वो अर्थक्वेक वाली रखी गई, कि अगर अल्लाह ना करे अगर ऐसा ना हो कि अगर ऐसा हो कभी कि कभी अगर अर्थक्वेक आए, झटका आए, ऐसा इसको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अगर हम जितने भी डिसीजंस हमारे देश के रिलेटेड लेते हैं वो इसी पार्लियामेंट में बैठ के लेते हैं, अगर इसी को नुकसान हो जाएगा तो वो बहुत जो है उस टाइम पे झटका लगेगा। अब अगर हम लोकसभा की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रख लेना, अगर हम लोकसभा, क्योंकि दो हाउसेज होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा, अगर हम लोकसभा की बात करेंगे, जो नया लोकसभा है, चैम्बर है, इट हैज़ अ पीकॉक थीम, इसमें जो है पीकॉक थीम रखा गया है, मोर का थीम रखा गया है, विद डिज़ाइंस ड्रॉन फ्रॉम द नेशनल बर्ड्स फेदर्स। हमारा नेशनल बर्ड क्या है, हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है, और उसी पीकॉक के जो पर है ना, उसकी जो फेदर है ना पीकॉक का, उसी से वो थीम लिया गया है। तो पीकॉक थीम पे हमारे लोकसभा चैम्बर बनाया गया है। कार्वड ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग कम्प्लीमेंटेड बाई टील कारपेट्स, ठीक है, टील कारपेट्स उस पर लगाए गए हैं, और जो हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है उसके फेदर्स के डिज़ाइन जो है उसको काव किया गया है, उसको खुरेदा गया है वॉल्स पे और सीलिंग्स पे। लोकसभा चैम्बर विल हैव 888 सीट्स, अभी हमारे पास 543 सीट्स है, लेकिन अब लोकसभा में कितनी होंगी, 888 सीट्स होंगी। सॉरी ये थोड़ा सा ये हो गया, एग्जिट हो गया यहाँ पे, राइट तो डबल स्पेसिंग होगी इसमें, ठीक है, इसमें डबल स्पेसिंग होगी। तो लोकसभा में हमने देखा कि इसमें जो हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है उसके फेदर पे ये उसके फेदर्स वाला डिज़ाइन रखा गया है, और लोकसभा के जो नया लोकसभा चैम्बर है उसमें 888 सीट्स होंगी, ठीक है, अभी 543 वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, विद द ऑप्शन ऑफ एक्सपेंडिंग सीट्स अप टू 1272, और उसमें ये ऑप्शन भी रखा गया है, इसको हम 1272 सीट्स तक भी बढ़ा सकते हैं, अभी इनको 888 रखा गया, लेकिन आगे हम 1272 तक भी बढ़ा सकते हैं। और लोकसभा जो नया बनाया गया उसमें इट विल बी यूज्ड फॉर जॉइंट स्टिंग्स ऑफ बोथ हाउसेस इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल हॉल विच वाज द फल्क्रम ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। देखो जो लोकसभा है इसमें हम जॉइंट स्टिंग भी करा सकते हैं, जॉइंट स्टिंग होता है जब दो हाउसेस एक साथ बैठते हैं, वो कब बैठते हैं, जब किसी बिल में डेडलॉक आता है, जब कोई बिल पास नहीं होती है बहुत टाइम तक, डेडलॉक आता है कोई हाउस, कोई एक सा हाउस डेडलॉक उसको क्रिएट करता है, तो फिर एक जॉइंट स्टिंग होती है, तो जॉइंट स्टिंग भी हो सकती है अब हमारे लोकसभा में। अब अगर राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा चैम्बर हैज़ बीन डेकोरेटेड विद अ लोटस एट इट्स थीम विद रेड कारपेट्स, उसमें रेड कारपेट्स रखे गए हैं और लोटस थीम रखा गया है, लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, तो वहाँ पे डेकोरेट किया गया है इसको, राज्यसभा को, लोटस थीम से। इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा 2 MPs विल बी एबल टू सिट ऑन वन बेंच एंड ईच MP विल हैव अ टच स्क्रीन ऑन द डेस्क। जैसे मैंने बोला कि इंटरनेट का ज़माना है, ई गवर्नेंस का ज़माना है, कंप्यूटराइजेशन का ज़माना है, तो लोकसभा हो या राज्यसभा दो MPs एक बेंच पे बैठ सकते हैं, और दोनों MPs को अलग अलग, हर एक MP को एक टच स्क्रीन होगी सामने डेस्क पे, तो उस पे वो काम करेंगे। द राज्यसभा चैम्बर कैन अकोमोडेट 384 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अभी 250 कैपेसिटी है राज्यसभा की, लेकिन इसको बढ़ा के ये बड़ा बनाया गया है 384 अभी ये अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, जब डिलिमिटेशन होती है ना, आफ्टर एवरी सेंसस जब डिलिमिटेशन होती है उससे सीट्स को बढ़ाया दिया जाए, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ सीट्स है एज़ पर पॉपुलेशन, दिन ब दिन इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बढ़ेंगे और नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेंगे। तो अभी 250 कैपेसिटी है राज्यसभा की थी, और नई बिल्डिंग में 384 रख दिया गया है कैपेसिटी ऑफ राज्यसभा मेंबर्स,
राइट। अगर अब हम कॉन्स्टिट्यूशन हॉल की बात करेंगे, द न्यू बिल्डिंग हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है वेयर द जर्नी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड, जहाँ पे ये उसी जगह पे मतलब ये हमें ये एक रिमार्केबल रहेगा, रिमेंबर हमें कराएगा क्या, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने इसको डॉक्यूमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बनाया गया है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में, राइट। मटेरियल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, पूरी इंडिया से मटेरियल लाया गया इस इन चीज़ को बनाने के लिए, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को हमने पूरी कंट्री से लाया, जैसे जहाँ से जहाँ पे भी पूरी कंट्री में बेस्ट मटेरियल मिलता है, जैसे सैंड स्टोन को सर मथुरा से लाया गया धौलपुर से, और ग्रेनाइट को लाखा विलेज जैसलमेर राजस्थान से लाया गया। याद रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, हमारे पार्लियामेंट के लिए जो सैंडस्टोन यूज़ की गई वो सर मथुरा धौलपुर से लाया गया, और ग्रेनाइट लाखा विलेज जो है जैसलमेर राजस्थान से लाया गया। अगर बात करेंगे वुड की, वुड यूज्ड इन डेकोर इज़ फ्रॉम नागपुर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नागपुर से, ट्राइबल एरिया से, नागपुर, अच्छा सॉरी, इट इज़ नागपुर, नागपुर से लाई गई, ठीक है, इट्स नॉट नागालैंड, इट्स नागपुर, ठीक है। वुड यूज्ड इन द डेकोर इज़ फ्रॉम नागपुर, क्योंकि आपको पता है साउथ इंडिया में भी जो है जो वुड है वहाँ की वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, और क्राफ्ट्समैन फ्रॉम मुंबई, और जो उसको क्राफ्ट्समैन लाए गए उस पर नक्श नकाश करने के लिए वो मुंबई से लाए गए, ठीक है, वुडन आर्किटेक्चर डिज़ाइन फिर उन्हीं क्राफ्ट्समैन ने बनाया। याद रख लेना ये, भादोही वीवर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैव मेड द ट्रेडिशनल हैंड नॉटेड कारपेट्स फॉर द बिल्डिंग, पूरे जो हाथ से बनाए हुए कारपेट्स इस बिल्डिंग के लिए बनाए गए वो भादोही वीवर्स ने बनाए, जो बुनने वाले होते हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने ही बनाया, ठीक। गांधी स्टैचू, द 16-foot टॉल ब्रोंज स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी ऑरिजिनली प्लेस्ड एट द मेन एंट्रेंस ऑफ पार्लियामेंट इन 1993 हैज़ बीन रिलोकेटेड बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बिल्डिंग्स, जो पुरानी बिल्डिंग है और नई बिल्डिंग है उसके बीच में रखा गया है गांधी जी का स्टैचू, जो बेसिकली 1993 में उस मेन एंट्रेंस में रखा गया था। ये 16-foot टॉल ब्रोंज स्टैचू है महात्मा गांधी का, इसको रिलोकेट करके नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग्स में बीच में रखा गया, ठीक है। It now faces the old building near the entrance used by Lok Sabha Speaker. The statue has been significant site for protesters, gatherings and photo ops for students and members of Parliament. Basically, इस statue के पास जब कभी भी Parliament members को protest करना होता था या gather होना होता था तो वो वहाँ पर जाके उस statue के पास जाके gather होते थे। It was created by, ये किसने create किया था ये statue? It was created by renowned sculptor Ram V. Sutur, a recipient of Padma Bhushan Award. ये जो स्कल्प्टर बनाने वाला है राम वी सोतुर, इसको पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है, तो उसी ने ये स्टैटू को जो है क्रिएट किया है। अगर हम नेशनल सिंबल्स की बात करेंगे, द बिल्डिंग इज रिप्लीट विद नेशनल सिंबल्स इंक्लूडिंग नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम भी वहाँ पे रखा गया, द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, आपको पता है हमारा जो एम्बलम है उसको हमने लाइक जो अशोका का पिलर ऊपर वो उसका जो कैपिटल था वहाँ से लिया गया है। दैट वे इज 9,500 kg एंड इज 6.5 meters इन हाइट एंड इज़ विजिबल फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से इसको देख सकते हैं, जो हमारा एम्बलम है ये 9,500 kg का ये एम्बलम है, 6.6 meters की हाइट है इसकी और दूर से देख सकते हैं हम। ये जो नेशनल एम्बलम है बेसिकली आपको पता होगा कि जो अशोका का ये पिलर होता था, अशोका ने जो के टाइम पे जो पिलर्स होते थे उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वही एम्बलम है हमारा। To support this massive bronze sculpture, a structure of 6,500 kg was constructed on the top of the center foyer. At the entrance, the Ashoka Chakra, the word Satyamev Jayate have been carved in stone. तो एंट्रेंस पे सत्यमेव जयते जो है और अशोका चक्र कारू किया गया है पत्थर से, ठीक है, और एक ब्रोंज स्कल्पचर बनाया गया है जो कि 6,500 kg का वेट का है इस नेशनल एम्बलम को सपोर्ट करने के लिए। अगर गोल्डन सेप्टर की बात करें, गोल्डन सेप्टर सेंगोल आपने देखा होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेंगोल को वहाँ पे रखा, गिवन टू जवाहरलाल नेहरू, जिसको जो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टू मार्क द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश। ये जो सेंगोल है ना, इसको गोल्डन सेंगोल, इसको जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था हमारी इंडिपेंडेंस जब आज़ादी का दिन था, ये टू मार्क, क्या मार्क करने के लिए, जब ब्रिटिशर्स से पावर ट्रांसफ़र किया गया
इंडियंस की ओर, तो उसको मार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को एक सेंगोल दिया गया। इस सेंगोल को रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पे उसको रखा। तो गोल्डन सेप्टर है, स्केप्टर विल सिट इन द न्यू लोकसभा चैम्बर, इसको लोकसभा चैम्बर में रखा गया नियर स्पीकर्स पोडियम, जहाँ पे स्पीकर बैठता है ना उस कचेरी वाले इसमें पोडियम में स्पीकर जहाँ पे बैठता है उसी के पास। आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज़ में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो सेंगोल, गोल्डन सेंगोल उठा के फिर वहाँ पे रखा जहाँ पे स्पीकर की जगह होती है वहाँ पे। दिस स्केप्टर वॉज गिवन टू हिम बाई प्रीस्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु, ये जो सेंगोल है इसको दिया गया, ये किसने लाया था, ये तमिलनाडु के प्रीस्ट्स ने लाया था। ठीक है, आपने देखा होगा वहाँ पे प्रीस्ट्स भी बहुत सारे थे रिसेंटली, जो फोटोशूट भी वहाँ पे हुआ और जो इनॉग्रेशन हुआ, तो एक सिंगोल रखा गया जो कि स्पीकर के पोडियम के पास रखा गया। ठीक है, गोइंग डिजिटल इन लाइन विद द एनवायरमेंट फ्रेंडली फोकस ऑफ द न्यू पार्लियामेंट, ऑल रिकॉर्ड्स, हाउस प्रोसीडिंग्स, क्वेश्चंस एंड अदर बिजनेस आर बीइंग डिजिटाइज्ड, बिसाइड्स टैबलेट्स एंड आईपैड्स विल बिकम अ नॉर्म। वहाँ पे नॉर्मली अब जो टैबलेट्स टैब्स जो होते हैं ना वो रखे जाएंगे और आईपैड्स भी रखे जाएंगे, इट विल बी अ नॉर्म ना, वो एक कॉमन रहेगा वहाँ पे अब, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन आवर होगा, जो प्रोसीडिंग्स होगी, जो बाकी जितना भी बिजनेस चलेगा हाउस का, वो अब ऑनलाइन, वो अब सारा डिजिटाइज होगा, मतलब स्क्रीन पे आएगा, जरूरी नहीं है पेपर वर्क हो, स्क्रीन पे आएगा और टच स्क्रीन से उसको यूज किया जाएगा। गैलरीज इन द बिल्डिंग, जो इस बिल्डिंग में गैलरी लगाई गई वो कैसी लगाएगी, ए गैलरी कॉल्ड स्लिप उसको बोलते हैं, विल एग्जिबिट टेक्सटाइल इंस्टॉलेशंस फ्रॉम अक्रॉस इंडिया अलॉन्ग विद पोल्ट्री आइटम्स एंड मेड फ्रॉम द मिट्टी ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो गैलरी वहां पे रखी गई ना, सॉरी ये बार बार एग्जिट होता है, जो गैलरी वहाँ पे रखी गई है उस बिल्डिंग में, बेसिकली वो क्या एग्जिबिट करेगी, उसमें क्या दिखाना है इनको, जितनी भी हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल्स है ना वो दिखाएंगे, और हर एक जो जगह है, हर एक स्टेट जो है वहाँ की मिट्टी भी वहाँ पे रखी जाएगी। जैसे यहाँ पे लिख के है अलॉन्ग विद द पोल्ट्री आइटम्स जो वो होते हैं ना, जो मिट्टी से बर्तन बनाए हुए होते हैं, मिट्टी से कुछ डेकोरेटिव चीज़ें बनाई होती हैं, हर एक जगह की मिट्टी, अब पूरे इंडिया की जो स्टेट्स होती हैं ना उनकी, वहाँ की मिट्टी से बने हुए जो है पोल्ट्री वो रखी जाएगी उस गैलरी में, और उसमें जो है पूरी इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से जो टेक्सटाइल आइटम्स हैं वो रखे जाएंगे। द गैलरी थापात या विल एग्जिबिट द आइकॉनिक मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज, बिसाइड्स मोनूमेंट्स ऑल्सो एमलगमेट्स योगा आसनास। मतलब गैलरी जो इसमें रहेगी ना हमारी इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में, ये बेसिकली हमारा कल्चर शो करेंगी, डिफरेंट पोट्रीज, पोट्री आइटम्स, डिफरेंट टेक्सटाइल आइटम्स, डिफरेंट योगा आसनास भी दिखेंगे वहाँ पे, और जितने भी मोनूमेंट्स हैं आइकॉनिक मोनूमेंट्स उनके फोटोग्राफ्स, मतलब कि उस गैलरी में जो भी जाएगा ना उसको पूरा इंडिया दिखेगा, क्योंकि हर एक स्टेट की मिट्टी से पोट्रीज वो चीज़ें बनी हुई होंगी, टेक्सटाइल्स होंगे, मोनूमेंट्स की जो तस्वीरें होंगी, योगा आसनास दिखाए जाएंगे, तो पूरा कल्चर ऑफ इंडिया उस गैलरी में दिखाया जाएगा। वास्तुशास्त्र एट ऑल द एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग्स, ऑस्पिशियस एनिमल्स एज गार्डियन स्टैट्यूज विल बी एग्जिबिटेड बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस इन इंडियन कल्चर एंड वास्तुशास्त्र। डिफरेंट शास्त्रास है, ये हिंदू रिलीजन में डिफरेंट शास्त्रास है, उन शास्त्रास में डिफरेंट एनिमल्स की जो है खसूसियत बताई गई है, और इंडियन कल्चर में जितनी भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स है, जितनी भी एनिमल्स की इंपॉर्टेंस है, उन एनिमल्स को हर एक एंट्रेंस पे लगाया जाएगा एज ए गार्डियन, रखवाली के लिए, एज अ इट विल गिव इट अ स्पिरिचुअल टच, जो हमारा इंडियन कल्चर है उसका टच मिलेगा उससे। ठीक है, दिस इंक्लूड द कौन कौन सा है जिसकी इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस इंपॉर्टेंट, एलिफेंट, हॉरस, ईगल, वेट अ मिनट, एलिफेंट, हॉरस, ईगल, स्वान, मिथिकल क्रिएचर्स शार्दुला एंड मकारा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है, एलिफेंट, हॉर्स, ईगल, स्वैन, मिथिकल क्रिएचर्स लाइक शार्दुला एंड मकारा, तो दीज विल बी एट द एंट्रेंसेस, हर एक एंट्रेंस पे, राइट। ओके, फोकॉल्ड पेंडुलम, एक पेंडुलम जो इंस्टॉल किया गया नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में, एट द लैटिट्यूड ऑफ पार्लियामेंट इट टेक्स 49 hours 59 minutes and 18 seconds टू कम्प्लीट वन रोटेशन। ठीक है, पेंडुलम जो लगाया गया ये 49 hours 59 minutes and 18 seconds लेता है एक रोटेशन के लिए।
द पेंडलम नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच फिजिस्ट लियोन फोकॉल्ट. ये जो पेंडलम का नाम रखा गया है ये एक फिजिस्ट, फ्रेंच फिजिस्ट एक है, उसके नाम पे रखा गया है, लियोन फोकॉल्ट के नाम पे रखा गया है. इज़ यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट अर्थस रोटेशन. ये हमें दिखाएगा कि अर्थ रोटेट कर रहा है और एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लेगा, 49 hours 59 minutes and 18 seconds. और एक फ्रेंच फिजिस्ट के नाम पे रखा गया इसको, फोकॉल्ट पेंडलम. और ये हमें क्या दिखाएगा कि अर्थ की रोटेशन दिखाएगा. द पेंडलम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी बॉब. आपको पता है पेंडलम के नीचे एक बॉब होता है ना, वो जो फिर टू एंड फ्रो करता है. हैवी बॉब सस्पेंडेड at the end of a long strong wire from a fixed point in the ceiling. As the pendulum swings, the imaginary surface across which the wire, the bob swipe, is called the plane of the swing. तो ये swing करेगा, to and fro करेगा, एक तार से इसको सीलिंग से जोड़ के रखा गया है इस बॉब को, जो फिर आगे पीछे जाके फिर हमें दिखाएगा ये. ठीक है, अगर सेंट्रल विस्टा की बात करेंगे तो सेंट्रल विस्टा ऑफ न्यू दिल्ली हाउसेज राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्चरीज अमंग अदर्स. अभी जो सेंट्रल विस्टा मतलब पूरा ये जो प्लॉट है जिसपे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई, इसमें क्या क्या हमें दिखेगा, राष्ट्रपति भवन दिखेगा. राष्ट्रपति भवन इज़ होम ऑफ, मतलब किसकी रेजिडेंस होती है, राष्ट्रपति भवन इज़ द रेजिडेंस ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. राष्ट्रपति भवन दिखेगा, पार्लियामेंट हाउस दिखेगा, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स जो होते हैं ना पार्लियामेंट हाउस के पास वो दिखेंगे, इंडिया गेट दिखेगा और नेशनल आर्चीव्स दिखेंगे. तो ये सारी चीज़ें इसमें नए वाले प्लॉट पे दिखेंगे. इन दिसंबर 1911 किंग जॉर्ज फाइव मेड एन अनाउंसमेंट इन दिल्ली दरबार ए ग्रैंड असेंबली टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली. दिल्ली दरबार वॉज होस्टेड टू मार्क द करोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज फाइव. देखो दिल्ली दरबार को बना ये किया गया था, दिल्ली दरबार यहाँ पे रखा गया था 1911 में, याद रख लेना. आपको पता होगा हमारी हिस्ट्री में, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, 1911 एक इम्पॉर्टेंट डेट है. क्यों इसलिए भी इम्पॉर्टेंट, देखिए जो पार्शन ऑफ बंगाल किया गया था ना उसको ख़त्म किया गया, और पार्चना बंगाल जब ख़त्म किया गया उस टाइम कलकत्ता कैपिटल थी इंडिया की, उसको कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली लाया गया. क्यों, सो देट कि जो मुसलमानों को गुस्सा आया था कि पहले तो इन्हें पार्शन किया था, हमें ढाका अलग मिला था कैपिटल, तो ये क्यों ख़त्म किया, उनको थोड़ा सा ये करने के लिए, उनको उनका ये माहौल ठीक करने के लिए उन्होंने दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में भी मुस्लिम्स ही ज़्यादा होते थे, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था. तो 1911 में जब पार्शन ऑफ बंगाल को ख़त्म किया गया, इट वॉज द एनुलर्ड एनलेशन ऑफ पार्शन ऑफ बंगाल वॉज डन. और उस टाइम पे क्या किया गया, कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, और ग्रैंड दरबार हुआ था 1911 में. लॉर्ड हर्डिंग उस टाइम पे वाइसराय था, गवर्नर जनरल था, वाइसराय था. तो लॉर्ड हर्डिंग के टाइम, और उस टाइम पे कोरोनेशन किसकी हुई थी, किंग जॉर्ज फाइव की हुई थी, राइट. तो ये आपको याद रखना है, ग्रैंड असेंबली वहाँ पे रखी गई थी दिल्ली दरबार में. The task of constructing a new city was given to Edwin Lutyens, known for his strong adherence to European classicism, and Herbert Baker, a prominent architect in South Africa. Herbert Baker is also the architect of the Union Buildings at the Pretoria, South Africa. देखो जब ये दिल्ली दरबार हुआ ना उस टाइम पे फिर दो आर्किटेक्ट्स को काम दिया गया था एक नई सिटी बनाने के लिए, क्योंकि फिर जब कैपिटल को शिफ्ट किया गया दिल्ली, तो वो कौन से दो आर्किटेक्ट्स थे याद रख लेना, एडविन ल्यूटियंस, ठीक है, तो और हर्बर्ट बेकर. हर्बर्ट बेकर एक आर्किटेक्ट था जो सबसे ज़्यादा काम इसने साउथ अफ्रीका में किया था. अगर हम अभी भी देखेंगे साउथ अफ्रीका किया मैं साउथ अफ्रीका में पिटोरिया में सारी यूनियन बिल्डिंग्स इसी ने बनाई है. तो हर्बर्ट बेकर और एडविन ल्यूटियंस को काम किया गया था, काम दिया गया था इस आर्किटेक्चर के लिए, जो नया जो हमारा पुराना पार्लियामेंट था, जो दिल्ली में जो मेन सिटी थी उसकी आर्किटेक्चर के लिए काम दिया गया था इनको. हर्बर्ट बेकर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आर्किटेक्चर ऑफ यूनियन बिल्डिंग्स एट पिटोरिया, साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जितनी भी बिल्डिंग्स है ना उसको किसने आर्किटेक्ट डिज़ाइन दिया है, हर्बर्ट बेकर ने. द पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग वॉज डिजाइन बाई बोथ ल्यूटियंस एंड बेकर. जो हमारा पुराना पार्लियामेंट है ना उसको इन दोनों ने ही डिज़ाइन किया था, एक तो ल्यूटन ने भी और बेकर ने भी. राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइन बाई एडवर्ड ल्यूटियंस. और राष्ट्रपति भवन को किसने डिज़ाइन किया था, जो हमारा अभी प्रेजिडेंट का रेजिडेंस था उसको किया था डिज़ाइन एडवर्ड ल्यूटियंस ने. द सेक्रेटरिएट विच इंक्लूड्स बोथ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स वॉज डिजाइन बाई हर्बर्ट बेकर. देखो जो हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग था ना पुराना उसको डिज़ाइन किया था दोनों ने, ल्यूटियंस ने भी, एडवर्ड ल्यूटियंस और बेकर ने, लेकिन जो राष्ट्रपति भवन है ना उसको एडवर्ड ल्यूटियंस ने डिज़ाइन किया था, और जो सेक्रेटरिएट है ना हमारा पार्लियामेंट का नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक उसको हर्बर्ट बेकर ने क्या किया था, डिज़ाइन किया था, ठीक है.
तो ये सब कुछ जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जो हमारा पुराना पार्लियामेंट है वो किसने बनाया था, कैसे बना था, शिफ्ट हुई थी कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, और उसके बाद जो नया पार्लियामेंट है, क्या ज़रूरत थी हमारे नए पार्लियामेंट बनाने की। अब जब हमने नया पार्लियामेंट बनाया उसमें पुराने पार्लियामेंट से ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा बात यही है कि वो एडजस्ट अकोमोडेट कर सकता है मोर नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को एंड मोर नंबर ऑफ MPs को, बोथ हाउस, इन बोथ हाउस, लोकसभा एंड द राज्यसभा। एंड द न्यू बिल्डिंग इज एनवायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज इट विल यूज less quantity of the electricity and it has rainwater harvesting systems and recycling of water in it and it is properly made with the digitized format and every MP can use now this finger touch screen and there will be a norm of iPads and tablets in new parliament building. That means the all the question hour, all the proceedings, all the business of Lok Sabha and Rajya Sabha will be transacted through these digitized formats, through these that they can take actions, they can respond, they can accept the things through these online touching screens. Because we have nowadays, we have the concept of e-governance, we have the concept of digitization, we have the concept of computerization, and everything is now government is focusing on in every form, in every way, to digitize the things, to make the system more transparent and more accountable. So this was the need of the hour, was the new parliament building with new sophisticated technology which is there. And the most important thing is the safety concern, which was not in the old parliament building, because at that time Delhi was in seismic zone 2 and now the Delhi is in seismic zone 5, and the safety concern is the major point for which the new parliament building has been made, and the seismic safety has been taken into the consideration. ठीक है, so I hope कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर से. Do like the video if you gained any knowledge and share it with your friends and do subscribe to our channel. Stay connected for more interesting and knowledgeable videos. Thank you, thanks a lot.